क्षेत्र में लंपी वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। कहीं गोवंश इसकी चपेट में आ चुके हैं तो कहीं गोवंश तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि शाहपुरा क्षेत्र में लंपी वायरस का संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है और इस संक्रमण को लेकर ग्रामवासी, समाज सेवी और गोभक्त आगे आ रहे हैं तथा आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयों के नुस्खे से उपचार कर रहे हैं। बहुत सी गोवंश पुनः ठीक होने के कगार पर आ रहे हैं तो बहुत से गोवंश दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। यह स्थिति क्षेत्र में दयनीय हो रही है। हमारी टीम क्षेत्र के खामोर ग्राम में पहुंची, जहां पर 8 से 10 गोवंश इस लंपी वायरस के प्रकोप से गंभीर ग्रसित तथा दयनीय स्थिति है। इस स्थिति को लेकर हमारी टीम वहां पहुंची, जहां एक गोवंश उपचार बाद में तड़पने को मजबूर है। खामोर पशु चिकित्सालय डॉक्टर सबर सिंह के नेतृत्व में गोभक्त शुभम शर्मा, सूरज जांगिड़ सहित टीम ने गोवंश का उपचार करना शुरू किया। उन्हें आयुर्वेदिक काढ़ा, सैनिटाइजेशन तथा चिकित्सालय की दवाइयों से उनका उपचार किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये गोवंश है। पिछले 3 दिनों से सबर सिंह जी खामोर पशु चिकित्सालय से डॉक्टर हैं, जिन्होंने और समाज सेवियों ने, ग्रामवासियों ने मिलकर इसको ट्रीटमेंट दिया। आप देख रहे हैं इसकी हालत, इसकी जो कंडीशन है बहुत ही खराब कंडीशन है, और इसको ट्रीटमेंट दिया फिर भी इसके आँखों में और इसके सिर में कीड़े पड़ रहे हैं, ये बचने की कंडीशन में नहीं है। हम सबर सिंह जी से जानेंगे कि किस प्रकार इसको ट्रीटमेंट दिया गया और क्या लोगों में अभी भ्रांतियां फैल रही है। जी सबर सिंह जी, मेरा मानना है सर कि भ्रांतियों के कारण ऐसा हुआ। ये आवारा पशु था, इसमें ट्रीटमेंट हमने दिया, आपके जो गौसेवक हैं उन्होंने भी दिया है, पर लेकिन ये लंपी वायरस है। वायरस का तो एंटीबायोटिक इलाज नहीं है, लेकिन कम से कम जिसके कारण जो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो तो अपन दे सकते हैं। इन भ्रांतियों की ये माता है ऐसा नहीं है, इसके प्रति अपन को जागरूकता अभियान आपने पहले भी फैलाया आपके थ्रू, आपके चैनल सोशल मीडिया के थ्रू। मैं आज भी ये करबद्ध निवेदन करता हूँ ग्रामवासियों से, पशुपालकों से, कि वायरस का इलाज तो नो डाउट नहीं है, लेकिन जो इसके कारण जो जो सिम्टम आ रहे हैं उनका तो इलाज है भाई। NPS की टैबलेटें जो अपन दे रहे हैं, किट प्रोवाइड करवा रहे हैं, कम से कम वो तो पशुपालक जानवरों को दिया जाए, मेरा यही मानना है जी। आज भी कुछ लोग इसे, इस बीमारी को, लंपी बीमारी जो खतरनाक वायरस का रूप लेकर क्षेत्र में फैल रही है, इससे कहीं ज़्यादा गोवंश की मौत भी हो चुकी है राज्य भर में, और खामोर में भी ये केस चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ्तार पकड़ रहे हैं। और समाज सेवी डॉक्टर्स और ग्रामवासी आयुर्वेदिक काढ़ा और इन सभी चीज़ों से इनका निवारण करने के प्रयास में हैं, लेकिन इसका बचाव संभव नहीं हो पा रहा है।
और दूसरी बात ये कि सबर सिंह जी बता रहे हैं कि गांव में कोई भी लोग उपचार करने नहीं आ रहा है, उपचार कराने डॉक्टर को सूचना देने नहीं आ रहा है, तो इनका अपील है कि गांव में सभी लोग जागरूक रहें इसके प्रति। इसे आप जो माता बीमारी मान रहे हैं, जैसे अपन माता बीमारी आती है वो माता बीमारी मान रहे, वो माता बीमारी नहीं है, इनका जागरूक करने का मतलब यही है। कट कर। ये जो आप देख रहे हैं इस गाय को, इसमें तीन दिन से हम सभी ग्रामवासी और सभी गौसेवक मिलकर इसका उपचार कर रहे हैं, पर फिर भी इस गाय को नहीं बचा पा रहे हैं हम। इसलिए मेरी सबसे यही अपील है कि आप जहाँ कहीं भी ऐसी गायों को देखें, आप अपने स्तर पर इलाज करें या हमें सूचना देवें, और जिन गायों में बीमारी नहीं है उनसे इन गायों को अलग रखें, चारा पानी बराबर अलग सुरक्षित देवें इनको, और आपसे नहीं हो पाता है इलाज आप पशु चिकित्सक को सूचना देवें किसी भ्रांति के, और ना जाए कि माताजी वाताजी वो सब चलता रहेगा, एक बार आप पशु चिकित्सक से जाके जरूर मिले और उनके इस इलाज का उपयोग ले में, और अगर नहीं है फिर भी आप हमें सूचना देवें, हम आपके तक आएंगे, हमारे से जो प्रयास होगा हम प्रयास करेंगे। ऐसी आवारा पशु हमें दिखती है, हम उनका इलाज कर रहे हैं, पशु चिकित्सक हमारे साथ ही रहते हैं। ऐसी बीमारी को कोई भ्रांति में ना जाए, ये लंपी वायरस है, बहुत खतरनाक है, ये गाँव में चारों ओर इसका प्रभाव दिख रहा है हमें। हम खूब मेहनत कर रहे हैं जोर से, लेकिन फिर भी इस गांव को, गाय को हम नहीं बचा पाए, हमारा दिल बहुत दुख रहा है इसके लिए। हो सके तो इसके लिए हम सेवा कर रहे हैं और भी करेंगे, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्षेत्र में फैल रही लंपी बीमारी का कहर जोरों से गोवंशों में देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं गोवंश तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हो रहे हैं, कहीं समाज से भी और कहीं ग्रामवासियों ने इसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया है, आयुर्वेदिक काढ़ा देना शुरू किया है, फिटकरी और नीम का भी छिड़काव किया जा रहा है। आपको हम बताएंगे कि खामोर में कहीं गोवंश मरने को मजबूर हैं, तड़प रहे हैं, डॉक्टर साहब और कहीं ग्रामवासी भी इनको लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद भी कहीं गोवंश बचने की कंडीशन में नहीं है। आपको बता दें कि ये गोवंश है खामोर में, ये पिछले तीन दिनों से तड़प रही है, इसे आयुर्वेदिक उपचार भी दिया जा रहा है, इसे डॉक्टर सबर सिंह जी द्वारा ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, पर किसी भी तरह का कोई सुधार इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, ना कोई सरकारी राजस्थान सरकार इस पर कोई विशेष डोज या विशेष दवाइयां इस पर जारी कर रही है। कट कर।